Hi everyone. Today the point which we have discussed here about to be the Delhi Sultanate. In this point, now today we have discussed about to be the Firoz Shah Tughlaq. Okay, and we know that very well that he was a great emperor of the Tughlaq dynasty. ये चीज़ हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि एक तरह से तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह का नाम जो है ना वो ग्रेट रूलर के रूप में आता है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट में कि आखिर तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर था फिरोज शाह तुगलक जिसको हम लोग जानते हैं वो एक तरह से कैसे क्या रूल किया। तो ही वॉज रूल्ड फ्रॉम द 1351 टू द 1388। ये फिरोज शाह तुगलक जो था ना एक तरह से रूल किया था 1351 से लेकर के 1388 तक में। नाउ ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक्स कजिन। कहते हैं कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक्स था ना उसका एक तरह से कजिन माना जाता था। एंड ही फेल्ट दैट मोहम्मद बिन तुगलक्स हैड अ फेल्ड टू कंसोलिडेट हिज होल्ड ओवर द तुगलक्स एम्पायर बिकॉज सम ऑफ द रीजन हियर दैट ही डिडंट हैव द सपोर्ट ऑफ द नोबल्स एंड द यूलेमास। अब एक तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ना फिरोज शाह तुगलक का तो वो ये फील करते थे विश्वास करते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक एक तरह से पूरे का पूरा जो था ना अपना रीजन जो भी उस समय उनका एम्पायर था उसको सही से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिसके पीछे क्या कारण था तो नोबल्स को और यूलेमा को एक तरह से ना वो सपोर्ट नहीं पा रहा था। इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक पूरा का पूरा अपने एम्पायर को सही से वो लेके चल नहीं पा रहे थे। ये एक तरह से बर्डन था उनके लिए। सो फिरोज शाह देयरफॉर फिरोज क्या करता है उसके बाद में डिसाइडेड टू विन ओवर द यूलेमा एंड द नोबल। वो डिसाइड क्या करते हैं कि अब हम यूलेमा को और नोबल को एक तरह से क्या करेंगे प्लीज करेंगे मतलब उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। इतना उन्होंने किया। सो ही नॉट ओनली गेव द बिगर इक्तास टू बी द नोबल्स बट ऑल्सो मेड दोज द इक्तास हेरिटेड। इतना ही नहीं उन्होंने क्या किया एक तरह से इक्ता वगैरह उनको दिया नोबल्स को बल्कि उस इक्ता का जो था ना उनको हेरिडेटरी भी बना दिया। बात आती है इक्तास का तो इक्तास का मीनिंग दिया हुआ आपका कि लैंड गिवन टू बी द नोबल्स बाय द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मतलब क्या होता है कि जो लैंड वगैरह दिया गया था एक तरह से नोबल्स को किसके द्वारा रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत के द्वारा उसी सिस्टम को एक तरह से इक्तास कहा गया। तो नोबल्स को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया तो इक्तास दिए और इसके बाद में ना उस इक्तास का हेरिडेटरी भी उसे बना दिया गया। मतलब उसके बाद में उसके जो मतलब आने वाले होंगे बच्चे वो सब इस चीज का टेक केयर करेंगे वो उसके अधीन हो गए। किसके अधीन में तो एक तरह से नोबल के अधीन में। नाउ टू प्लीज द यूलेमा। अब आती है बात यूलेमा का यूलेमा को खुश करने के लिए। अब ये यूलेमास कौन थे कहते हैं कि द स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक लर्निंग। ये एक तरह से स्कॉलर्स हुआ करता था इस्लामिक लर्निंग का एंड हु वेयर जनरली ऑर्थोडॉक्स इन देयर द आउटलुक। और ये एक तरह से जनरली ऑर्थोडॉक्स के रूप में जाने जाते थे आउटलुक के लिए। अब इनको खुश करने के लिए किसको एक तरह से यूलेमा को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया तो ही इंपोज द इस्लामिक लॉ। इन्होंने क्या किया इस्लामिक लॉ को एक तरह से इंपोज कर दिए। एंड सून द नोबल्स एंड द यूलेमा ग्रो वेरी पावरफुल। धीरे धीरे क्या हुआ ना ये जो यूलेमा था और नोबल्स था ना वो धीरे धीरे पावरफुल एक तरह से होते चला गया। एंड दे बिगेन टू इंफ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द सल्तनत। और फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया एक तरह से पॉलिसी जो सल्तनत का था उसको इन्फ्लुएंस करने लगा। यहां तक पॉइंट हो गई हम लोग का फिरोज शाह तुगलक का जो खास करके किस तरह से अपने किंगडम को अपने रैंक को किस तरह से आगे लेके चले। ना अब हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आपका इसी में दिया गया है कि फिरोज शाह राइन विटनेस द नुमेरियस रिबेलियन। कहते हैं कि फिरोज शाह का जो राइन था ना शासन था ना एक तरह से नुमेरियस मतलब रिबिलियंस के नाम से जाना जाता था। चीफ बिगिंस द रिवॉल्ट्स बाय द गवर्नर्स ऑफ द बिहार एंड बंगाल। जो उस समय में चीफ हुआ करता था बिहार या मतलब बंगाल का जो गवर्नर वगैरह हुआ करता था वो उनके खिलाफ एक तरह से क्या क्या कहते रिवॉल्ट खड़ा कर दिया था। एंड द सल्तनत सॉरी द सुल्तान फेल टू द सप्रेस द रिवॉल्ट। और इस रिवॉल्ट को फेल करने के लिए सुल्तान जो थे ना एक तरह से वो सप्रेस करते मतलब वो मतलब खुद भी उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इन लोगों को रोका जाए। इस तरह की प्रॉब्लम उनके पास में आ जाती है। अब हम लोग आते हैं फिरोज द रिफॉर्मर किंग के रूप में जिसको रूलर के रूप में कहा गया था उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नाउ फिरोज शाह इज आल्सो नोन एज अ ग्रेट रिफॉर्मर किंग। कहते हैं कि इनके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो इनको एक तरह से द रिफॉर्मर किंग के नाम से भी जाना जाता था एंड अ ग्रेट
बिल्डर के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो ग्रेट बिल्डर क्यों कहा गया, इसके पीछे भी हम लोग आएंगे। पहले हम लोग आते हैं कि आखिर ये रिफॉर्मर किंग क्यों बने थे। नाउ ही डिड मच फॉर हिज पीपल, कहते कि इन्होंने अपने पीपल के लिए, अपने जनता के लिए बहुत सारा सा काम किया था। उन सारे कामों में क्या क्या था वो हम लोग एक एक करके पॉइंट जो है ना वो डिस्कस करते चले जाते हैं। कहते कि ही बिल्ड द मेनी कैनल्स, इन्होंने बहुत सारा सा कैनल्स बनाया था। इसके बाद में आपका टैंक्स बनाया था, वेल्स बनाए थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे एंड द रेस्ट हाउसेस बनाए थे। ये सारी की सारी चीजें इनके द्वारा बनाया गया था। मैंने क्या क्या पॉइंट अभी कहा, क्या क्या बनाया था उन्होंने, तो इन्होंने कैनल्स बनाए थे। अगर हम लोग बात करते हैं तो कैनल्स बनाए थे, इसके बाद में टैंक्स वगैरह बहुत सारा बनाया था, इसके बाद में वेल्स वगैरह भी बहुत सारे बनाए गए थे। क्या क्या हो गया आपका, कैनल्स हो गए, टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेस, बहुत सारे रेस्ट हाउसेस वगैरह भी इनके द्वारा बनाया गया था। क्या क्या बना था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इतना सारा का सारा काम किया गया था इन्होंने पीपल के लिए, सब सारे के सारे काम किए थे। नाउ ही एस्टैब्लिश द न्यू टाउन्स सच एज, अब कुछ नए नए ऐसे शहर थे जिनको इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, जिसमें आपका सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक नाम आता है जौनपुर। क्या नाम आता है, एक नाम आता है आपका सबसे पहले जौनपुर का। इसको इसके बाद में हम लोग आते हैं सेकेंड जो था वो था आपका फिरोजपुर। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने सेकेंड में कौन सा नाम लिखा, फिरोजपुर। फिर इसके बाद में आपका नाम आता है फिरोजाबाद का, ये भी इन्हीं के द्वारा जो था ना उस समय में एस्टैब्लिश की गई थी। फिरोजाबाद नाम आता है। फिर इसके बाद में आता है आपका हिसार फिरोज, जिसको कहा गया था हम लोग इसके बाद जो पॉइंट थे इसमें आता है आपका हिसार फिरोज, ये भी एक तरह से टाउन था जो कि इनके द्वारा जो था ना वो बनाया गया था। तो इतने सारे के सारे टाउन को इन्होंने क्या किया था, एक तरह से एस्टैब्लिश किए थे ये सब सारे चीज को। नाउ अब हम लोग आते हैं कि ऑल्सो बिल्ड मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इतना ही नहीं, ये जो थे ना बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह थे उनको भी इन्होंने बिल्ड किया था। एंड मेनी संस्कृत टेक्स्ट वर द ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन एंड द अरेबिक, कहते हैं कि बहुत सारा ऐसा संस्कृत का जो टेक्स्ट वगैरह था ना उन टेक्स्ट को जो था ना वो एक तरह से चेंज किए थे, ट्रांसलेट किए थे। किस में ट्रांसलेट किए थे, तो पर्सियन से लेकर के और अरेबिक तक, ये सारा का सारा काम उस समय में इनके द्वारा किया गया था। अब ग्रेट बिल्डर की तो बात हुई है, अब हम लोग उस पॉइंट में भी थोड़ी सी और ऐड करते हैं। तो हॉस्पिटल तक का भी हम लोगों ने बात किया कि वो एक तरह से बनाए थे, कहते कि ही सेट अप फॉर द हॉस्पिटल, कहते कि इन्होंने एक तरह से हॉस्पिटल को भी सेटअप किए थे। किसके लिए, फ्री ट्रीटमेंट के लिए एंड बिल्ड द रेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस मतलब वहां पर मैंने एक तरह से फ्री जो भी कोई भी पेशेंट वगैरह जाता था उनको ट्रीटमेंट फ्री में मिलती थी। रेस्ट हाउसेस वगैरह भी हम लोगों ने पॉइंट में डिस्कस किया कि उन्होंने बनाया था। एंड ही ऑल्सो ओपन अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द चैरिटी, और इसके बाद में इतना ही नहीं चैरिटी के लिए भी ना इन्होंने एक तरह से ना डिपार्टमेंट वगैरह जो था वो भी चैरिटी के लिए ओपन किया था। नाउ ही गॉट एज अ मेनी एज 120 गार्डन्स प्लांटेड इन द दिल्ली, और ये भी कहा जाता है कि लगभग 120 गार्डन्स जो था ना, 120 गार्डन्स, ये 120 गार्डन्स वगैरह भी इन्होंने दिल्ली में एक तरह से प्लांट किया था। नाउ ही बिल्ट 100 सराइज, अब हम लोग आते हैं इन्होंने लगभग 100 जो था ना वो सराइज वगैरह भी बिल्ड किए थे। अब ये सराइज क्या होता है, आप लोग शायद पढ़े होंगे क्लास 6 वगैरह में भी। सराइज का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना तो उनको वहां पर में रहने का जो व्यवस्था होता है उसी को सराय कहा जाता है। आजकल क्या है कि हम लोग जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो वो होटल टाइप का कहलाता है, वहां पर हम लोग बुक करते हैं फिर रहते हैं रात भर में, फिर अपना काम वगैरह जो कुछ भी है वो करते हैं। उस समय में क्या था ना कि जब कभी भी कोई भी आदमी या चाहे कोई भी बिजनेसमैन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाता था तो रात में लोग ठहरेंगे कहां, रुकेंगे कहां, इसके लिए ना मतलब 5 किलोमीटर पर में, 4 किलोमीटर में ऐसे ऐसे घर बनाए जाते थे, उसी को एक तरह से सराइज का नाम दिया गया। तो लगभग 100 सराइज जो था ना वो 100 सराइज वगैरह भी इनके द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा, तो फिरोजशाह तुगलक के द्वारा। इतना ही नहीं वो भी ट्राई, मैंने कहा एक तरह से ट्रेडर्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए। नाउ ही बिल्ट मेनी टाउन्स, कहते हैं कि इस, हम लोग तो ये भी पॉइंट डिस्कस किए थे बहुत सारा टाउन वगैरह भी इन्होंने बिल्ड किया था जिसमें एक एक करके नाम हम लोगों ने यहां पर में डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का दिया गया है कि एक तरह से ना वो लिबरल जो ग्रांट वगैरह होता है ना वो भी प्रमोशन ऑफ द एडुकेशन के लिए भी वो दिया करते थे।
जिसको एक तरह से स्कॉलरशिप हम लोग कहते हैं आजकल, तो उस समय में पढ़ाई वगैरह के लिए भी एक तरह से ना ये लिबरल ग्रांट वगैरह दिया करते थे, इशू किया करते थे फॉर द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड बिल्ड 50 मदरसास, और उस समय में इन्होंने लगभग 50 मदरसास वगैरह भी बनाया था। कितने मदरसा बने थे? तो टोटल लगभग 50 मदरसा के आसपास में इन्होंने बनाया था। मदरसा को एक तरह से स्कूल कहा जाता था। नाउ ही टुक द स्टेप टू हैव द हिंदू रिलीजियस बुक्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम द संस्कृत। हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया पॉइंट अभी कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा स्टेप वगैरह भी लिया जो उस समय का बुक वगैरह था संस्कृत का, उसको ट्रांसलेट करके वो लोग क्या किए थे तो अरबियन में और पर्शियन में एक तरह से चेंज किए थे। तो इतना का इतना पॉइंट हम लोग एक तरह से इस रिफॉर्मर किंग के बारे में या फिर जिसको ग्रेट बिल्डर कहा गया था उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से खास करके फिरोज शाह तुगलक जो था वो रिफॉर्मर किंग कहा गया था। ये तो पॉइंट आपका बुक में दिया हुआ है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ना बुक से हटके भी आते हैं। कुछ ऐसी पॉइंट्स वगैरह है जिसको जानना जरूरी है, भले बुक में नहीं है आपका, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। कहते कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था खास करके ना फिरोज शाह तुगलक का, उसके पीछे भी कुछ डार्क साइड वगैरह थी। डार्क साइड जिसको हम लोग कहते हैं, ये डार्क साइड क्या था ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। डार्क साइड ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब डार्क साइड में हम लोग आते हैं, कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक वाज़ इनको ना एक तरह से मुस्लिम बायकॉट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुस्लिम बायकॉट। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले बायकॉट का मीनिंग समझने के लिए कि आखिर ये कौन होता है। कहते कि अ पर्सन विथ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस and who will not listen to or they accept a different opinion। मतलब एक ऐसा person जो very strong रहता है अपने unreasonable belief के कारण, और वो उसका जो opinion होता है किसी और का, वो उसको एक तरह से सुनता नहीं है, जो भी different opinion बनाकर आता है उसको सुनता नहीं, बल्कि अपनी मनमानी के रूप में अपना जो मन में आएगा वही चीज एक तरह से वो मतलब किया करता है। तो ये इसलिए इनको मुस्लिम बैकवर्ड का भी नाम दिया गया था। सो ही Impose the jizya tax on the non-Muslim। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले jizya tax हुआ करता था उस समय में, वो jizya tax सबसे पहले non-Muslims के ऊपर में लगाया गया। तो non-Muslim कौन थे उस समय में? जिनको हिंदू कहा गया था for the first time। उस समय में ये jizya tax जो था वो लगाया गया। Now he also pulled down the many Hindu temple and the constructed the mosques at their place। कहते हैं कि वहां पर में उस समय में बहुत सारे ऐसे हिंदू के जो टेंपल हुआ करते थे ना, उनको इन्होंने क्या किया था तो एक तरह से खत्म कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और वहां पर में इन्होंने बहुत सारा मॉस्क वगैरह भी बनाया था। नाउ द नोबल्स आल्सो दे स्टार्टेड द ड्रिंकिंग पब्लिकली। अब जो नोबल्स उस समय में हुआ करता था ना, वो ड्रिंकिंग जो था एक तरह से पब्लिकली जो था वो स्टार्ट कर चुका था। जहां तहां जब भी जो इच्छा होता था वो लोग ऐसे करने लगे थे। एंड ही रिवाइव्ड द जागीरदारी सिस्टम। और इतना ही नहीं, फिर से जागीरदारी सिस्टम को भी इन्होंने रिवाइव किया। एंड सो ही हैड टू डिपेंड अपॉन अगेन एंड जागीरदारी फॉर द मिलिट्री एडवेंचर्स। और कहते कि इनको फिर से डिपेंड होना पड़ा उस तरह से मिलिट्री एडवेंचर को चलाने के लिए, उसी जागीरदारी जो टैक्स वगैरह आते थे ना उस सब के लिए। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ही आल्सो मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द स्लैब्स। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्लैब्स को भी मेंटेन किए थे। और उसमें अगर हम लोग देखें ना तो 1,80,000 के आसपास में ना इतने सारे स्लैब्स वगैरह थे जिनको ये एक तरह से उस समय में इतने सारे स्लैब थे जिनको कि एक तरह से उसमें ये मेंटेन क्या करते थे। एंड इट वाज आल्सो अ ग्रेट बर्डन ऑफ द एम्पायर। अब इतने स्लैब्स को एक तरह से मेंटेन करना सही बात है नहीं कि एक एम्पायर के लिए उस समय में ये एक ग्रेट बर्डन हो चुका था उस एम्पायर के लिए। नाउ सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑफिस द एम्पायर बिकम द इकोनॉमिकली। अब क्या होता है ना कि इस रिजल्ट के कारण होता है क्या कि जो एम्पायर होता है ना धीरे धीरे वीक होने लगता है। आमदनी अगर ना हो और इतने इतने सारे खर्चे वगैरह हो तो क्या होगा, इसी तरह से वर्डन वगैरह सब आएगी। सो कॉन्सिक्वेंटली द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर स्टार्टेड द सिंकिंग। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो एम्पायर का जो बाउंड्री वगैरह था ना वो आपका एक तरह से सिंकिंग होने लगा। मतलब क्या, कम होने लगा। उस समय में जो पहले फैला हुआ था वो कम होने लगा। अ नंबर ऑफ स्टेट जिसमें कि कहा गया कि लाइक द मालाबार का नाम आता है, इसके बाद में आपका द्वार समुद्र का नाम आता है, इसके बाद में तेलंगाना का भी नाम आता है, और इतना ही नहीं इसके बाद में आपका बंगाल का भी नाम आता है। ये सब सभी के सभी बिकम इंडिपेंडेंट होते चले गए उस समय में। तो वो सभी अलग अलग होते चला गया। एंड हिज डेथ इन द 1388 एडी। और इनकी जो डेथ है ना वो आपका लगभग 1388 एडी में जाकर के हो जाता है। और
हैस्टन टू बी द ब्रोकन अप टू बी द दिल्ली सल्तनत, और वहां से दिल्ली सल्तनत जो है ना किंगडम जो है ना वो धीरे 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 आपका वीक होने लगता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फिरोज शाह, इनके मरने के बाद में क्या होता है कि हिज एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, इनका जो एम्पायर रहता है ना वेरियस स्मॉल पार्ट में जो ना एकदम से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, एंड मेनी रीजंस बिकेम द इंडिपेंडेंट, और बहुत सारा रीजन जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी कि वो सारे के सारे क्या होते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड सो द सल्तनत वाज रिड्यूस्ड टू दिल्ली, और बाद में क्या होता है ये सल्तनत आपका रिड्यूस हो जाता है दिल्ली में एंड इट्स अ सराउंडिंग एरिया, और दिल्ली के अगल बगल के एरिया में ही जाकर के ये जो एम्पायर था पूरा का पूरा रह जाता है। तो यहां पर मैं आपका ये फिरोज शाह तुगलक का पॉइंट कंप्लीट।